वैराग्य का असली अर्थ है जो भी चीज हमारे पास हो वो चीज श्री कृष्ण के संबंध में उपयोग करें, हरि संबंधी वस्तु ना। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। तो इसका मीनिंग रूप गोस्वामी बताते हैं कि हरि संबंधी वस्तु ना, भगवान की सेवा के लिए जो चीज उपयोगी हो उन चीज का त्याग नहीं करना चाहिए, वो युक्त वैराग्य है, वो सही वैराग्य है। अर्थात जो भी है वो कृष्ण के संबंध में, कृष्ण के संबंध में उपयोग करो। जैसे हारमोनियम है तो इनसे हम ये भी गाना गा सकते हैं ना, लता मंगेशकर गाती है ना, मेरे मन की जमुना तेरे मन की गंगा और जो भी मनाओ, और ये हारमोनियम हरे कृष्ण मंत्र भी कर सकते गा सकते हैं। तो ये हरे कृष्ण मंत्र आध्यात्मिक युक्त वैराग्य है। हारमोनियम अगर हरे कृष्ण मंत्र में उपयोग कर सके तो उनका त्याग क्यों करें हम? तो ये युक्त वैराग्य है। फल्गु वैराग्य, श्मशान वैराग्य, श्मशान में जाते हैं किसी का मम्मी या किसी का डिपार्ट हो गया तो श्मशान में बहुत बड़ा वैराग्य आता है, आखिरी मेरी यही गति है, मुझे कुछ नहीं करना अभी। श्मशान वैराग्य, श्मशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य। फल्गु नदी है गया में, कोई गया है? गया फल्गु नदी देखी आपने? पानी होता है तो फल्गु लगता है कि पानी नहीं है, लेकिन पानी है, दिखावा, मेरे में काम नहीं है, लगता बहुत बड़ा महंत संत साधु है तो, और अंदर चल रहा है सारा ना, क्या चल रहा है क्या पता। ये फल्गु चबाने के अलग और दिखाने के अलग, मुख में राम बगल में, तो फल्गु वैराग्य है, पाखंड वैराग्य, लगता है कि साधु, लंबी दाढ़ी छोटी और भगवा है, गेरुआ पहना और बगुला भक्त, जैसे हम तो वैराग्य अलग अलग किस्म के वैराग्य है। रियल वैराग्य रूप गोस्वामी कहते हैं जो भी चीज हम भगवान कृष्ण के संबंध में उपयोग कर सकें उनका त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमारी जो भी चीज है श्री कृष्ण के संबंध में कर देनी चाहिए, तो वो वैराग्य है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो सब छोड़ दो सब छोड़ दो सब छोड़ दो तो दूसरा कुछ आ जाएगा। युक्त तो वैराग्य, भगवान को जोड़ दो, भगवान का है भगवान के साथ जोड़ दो, ये वैराग्य। जैसे घर है वहाँ भक्त आ रहे हैं तो वो घर भगवान का है। यस, अगर हम अपने लिए ही यूज करते हैं तो वो बेकार है। यस, भौतिक माया।